अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इंसर्कल द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से ऑड वन एंसर्कल करना है तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में माइनस थ्री प्लस थ्री सेम वैल्यू है एक माइनस की एक प्लस की है इसी तरीके से माइनस फाइव प्लस फाइव सेम वैल्यू है एक माइनस की एक प्लस की है लेकिन सी पार्ट में देखें ये सेम वैल्यू नहीं है तो हमारा ऑड वन कौन सा हो गया सी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है माइनस वन माइनस टू अगर माइनस वन माइनस टू देखें और इन दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर माइनस थ्री आ रहा है राइट right? अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो इसका भी आंसर माइनस थ्री आ रहा है क्योंकि एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की यहाँ करके दिखा रही हूँ माइनस वन प्लस माइनस टू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है प्लस माइनस माइनस टू दैट मीन्स माइनस थ्री आ रहा है इसी तरीके से अगर मैं माइनस फाइव प्लस टू को ऐड करूँगी तो एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई तो ये भी माइनस थ्री आ रहा है माइनस फोर प्लस वन को देखूंगी तो ये भी एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा तो ये भी माइनस थ्री आ रहा है अब इसी तरीके से माइनस नाइन प्लस सेवन को देखूंगी तो ये कितना आ रहा है माइनस टू तो इसमें से ऑड वाली वैल्यू कौन सी हो गई माइनस नाइन प्लस सेवन राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसमें से ऑड कौन सा है ये बताना है राइट अब अगर आप इसको देखेंगे फर्स्ट पार्ट लिख रही हूँ फर्स्ट पार्ट है हमारा माइनस नाइन इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू माइनस थ्री राइट अब अगर साइन ही देखें तो ये आ रहा है प्लस का साइन अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेम वैल्यूज़ हैं चारों में सिर्फ साइन डिफरेंट लग रहे हैं तो अब हमें ये देखना पड़ेगा किस में साइन कौन सा आ रहा है अगर बी पार्ट में देखें नाइन इंटू माइनस फाइव इंटू सिक्स इंटू माइनस थ्री तो अगर आप देखेंगे इसमें भी साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है राइट अब सी पार्ट देखें माइनस नाइन इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस सिक्स इंटू थ्री अब अगर सी पार्ट में देखेंगे माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है फिर से बता रही हूँ माइनस माइनस प्लस होता है एंड प्लस माइनस माइनस होता है तो ऑड वन पता चल गया हमें सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फिर से हमें ऑड वन निकालना है ए पार्ट में माइनस हंड्रेड डिवाइडेड बाय फाइव अगर हम माइनस हंड्रेड को फाइव से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का ही फाइव टू ज टेन एंड जीरो अब इसी तरीके से माइनस एट्टी वन को डिवाइड करेंगे नाइन से तो हमारा कितना आएगा नाइन नाइन जो एट्टी वन अब सी पार्ट में देखें माइनस सेवेंटी फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस एज इट इज फाइव इंटू फिफ्टीन इज सेवेंटी फाइव अब डी पार्ट को देखें माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई नाइन ये तो डिवाइड ही नहीं हो सकता है तो ऑड वन कौन सा हो गया डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में कह रहा है माइनस वन देखिए यहाँ पे माइनस वन ही है सारे में राइट right? तो माइनस वन इंटू माइनस वन कितना होगा प्लस वन राइट अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे थ्री टाइम्स माइनस वन है तो ये कितना आएगा अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 का वन अब थर्ड पार्ट देखते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस का वन आ रहा है तो वन पता चल गया हमें बी पार्ट अ करेक्ट आंसर डी पार्ट देखने की जरूरत भी नहीं है लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्लिंग इन द ब्लैंक्स अब हमें फ्लिंग इन द ब्लैंक्स भरने हैं माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका एडिटिव इनवर्स लेंगे देखिए अब हमें पता है माइनस ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा बी में क्या प्लस करेंगे ऑब्वियसली माइनस ए प्लस करेंगे लेकिन यहाँ पे वो एडिटिव इन्वर्स बोल रहा है तो माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा ए होगा अब हमें पता है माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स ए होगा और ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा तो किसका एडिटिव इन्वर्स आएगा यहाँ पे ए का राइट right? क्योंकि हमें यहाँ माइनस ए चाहिए ब्लैंक में और माइनस ए ए का एडिटिव इन्वर्स है आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डैश को डिवाइड करें माइनस टेन से तो ज़ीरो आना चाहिए तो हमें पता है अगर हम ज़ीरो को डिवाइड करेंगे किसी भी इंटीजर से तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया ज़ीरो इज द आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है माइनस वन फिफ्टी सेवन इंटू माइनस नाइनटीन यहाँ नीचे लिख रही हूं माइनस वन फिफ्टी सेवन इंटू माइनस नाइनटीन प्लस वन फिफ्टी सेवन कितना आएगा ये बताना है तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी वन फिफ्टी सेवन ही यहाँ पे भी तो हमने क्या किया वन फिफ्टी सेवन कॉमन ले लिया इसमें इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है बीच में ये याद रखिएगा अब 157 कॉमन लिया सिर्फ 157 कॉमन लिया है तो ये माइनस साइन बज गया और माइनस नाइनटीन बज गया तो माइनस माइनस नाइन्टीन अब प्लस ये वाला अब 157 में से 157 ही कॉमन निकल गया तो वन बज गया तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 157 फिफ्टी अब माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस नाइन्टीन प्लस वन तो ये कितना आ गया वन फिफ्टी सेवन नाइनटीन प्लस वन इज ट्वेंटी तो ये कितना आ जाएगा जीरो एज इट इज़ टू सेवन ज फोर्टीन कैरी वन टू फाइव ज टेन एंड इलेवन कैरी वन एंड थ्री तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है माइनस एट प्लस डैश प्लस डैश इक्वल्स टू डैश प्लस माइनस थ्री प्लस डैश इक्वल्स टू माइनस थ्री हमें आंसर माइनस थ्री लाना है मतलब ये लेफ़्ट साइड सॉल्व करें या ये राइट साइड सॉल्व करें हमारा आंसर माइनस थ्री आना चाहिए तो कैसे करेंगे देखिए माइनस एट में क्या प्लस करूं कि और जो आए उसमें क्या प्लस करूं कि हमारा आंसर माइनस थ्री आए और डैश में क्या प्लस करूं और माइनस थ्री में क्या प्लस करूं कि हमारा आंसर माइनस थ्री आए तो कैसे करेंगे देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं माइनस थ्री लाने के लिए अगर मैं यहाँ पे माइनस फाइव करती हूँ माइनस एट में फाइव ऐड करती हूँ और यहाँ पे ज़ीरो ऐड करती हूँ तो भी हमारा माइनस थ्री आएगा देखिए अगर मैं यहाँ पे फाइव ऐड करती हूँ और तो माइनस एट प्लस फाइव इज माइनस थ्री माइनस थ्री ही चाहिए तो ज़ीरो ऐड कर दूंगी अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पे दोनों जगह ज़ीरो किया जा सकता है या आप चाहें माइनस का एट और यहाँ पे एट अब यहाँ पे देखेंगे एट प्लस का है थ्री माइनस का है तो आप ऑपोजिट साइन है आप उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फाइव आ जाएगा अब माइनस का एट प्लस का फाइव कितना होता है माइनस का थ्री तो आप कुछ भी लिख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे एट और यहाँ माइनस थ्री कुछ भी लिख सकते हैं तो सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे तो यहाँ पर मैं फ़ाइव लिख रही हूँ यहाँ ज़ीरो लिख रही हूँ यहाँ माइनस लिख रही हूँ और यहाँ पर एट लिख रही हूँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर माइनस थ्री ही आएगा लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन जो ये नंबर लाइन है माइनस फोर इंटू थ्री इज रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट माइनस फोर इंटू थ्री कितना आएगा और कौन सा पॉइंट इनमें से रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है तो माइनस फोर इंटू थ्री हमें पता है माइनस प्लस माइनस फोर थ्री जो ट्वेल्व होता है तो माइनस ट्वेल्व कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ये बताना है तो अगर आप देखेंगे इसके बीच के पॉइंट्स काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन है तो अगर मैं इसको ज़ीरो इसको माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट माइनस टेन माइनस ट्वेल्व माइनस फोर्टीन माइनस सिक्सटीन एंड माइनस एटीन टू टू का डिफरेंस किया तो हमें पता चल गया कि हमारा माइनस ट्वेल्व किस पे है पॉइंट पे डी पॉइंट पे है तो पॉइंट डी इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर द इंटीजर्स देन अगर एक्स वाई जेड इंटीजर्स हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं x तो प्लस वाई प्लस एड या x प्लस वाई प्लस एड ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले दो इंटीजर्स को ऐड करें और जो आंसर है उसको थर्ड इंटीजर से ऐड करें या लास्ट के दो इंटीजर्स को ऐड करें और जो आंसर आया उसको फर्स्ट इंटीजर से ऐड करें आंसर सेम ही आएगा वही प्रॉपर्टी यहाँ लिखी है अब देखिए माइनस फोर्टी थ्री में क्या प्लस करूँ कि माइनस फोर्टी थ्री ही आ जाए तो हमें पता है ज़ीरो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी इंटीजर में अगर आप जीरो ऐड करेंगे तो वही इंटीजर आएगा आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है माइनस एट प्लस माइनस एट प्लस माइनस एट माइनस तो एट को किससे मल्टीप्लाई करूं तो देखिए ये थ्री टाइम्स आ रहा है तो दैट मींस हम थ्री को माइनस एट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इलेवन इंटू माइनस फाइव इज इक्वल्स टू माइनस बाहर है डैश इंटू डैश टू डैश अब देखिए माइनस ये वाला मान लीजिए बाहर है तो अंदर ये दोनों वैल्यूज लिख सकती हूँ तो इलेवन इंटू फाइव लिख दिया और हमें पता है ये आंसर कितना आ जाएगा माइनस जो बाहर था वो बाहर वाला माइनस लिख दिया और इलेवन फाइव सा फिफ्टी फाइव तो माइनस फिफ्टी फाइव इज़ द आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब माइनस नाइन इंटू ट्वेंटी कितना आएगा हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है और नाइन इंटू ट्वेंटी इज वन एट्टी होता है तो माइनस वन एट्टी आ गया आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माइनस ट्वेंटी थ्री इंटू फोर्टी टू इज इक्वल्स टू अब देखिए माइनस साइन ट्वेंटी थ्री से उठ के माइनस फोर्टी टू हो गया है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे और ये ब्लैंक दे रखा है तो यहाँ पे हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी अभी इसी तरीके से फोर्टी टू के साथ अगर हम ट्वेंटी थ्री वो भी प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी माइनस की राइट right? तो दिस इज आर आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वाइल मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव एंटीजर एंड अ नेगेटिव एंटीजर अगर हम एक पॉजिटिव एंटीजर ले लेते हैं और एक नेगेटिव एंटीजर ले लेते हैं वी मल्टीप्लाइड देम एज हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड पुट डैश साइन बिफोर द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से पहले कौन सा साइन लगाएंगे देखिए फाइव की मल्टीप्लाई करूं माइनस फाइव में तो हमारा आंसर माइनस का आएगा तो हम कौन सा साइन लगाएंगे नेगेटिव साइन लगाएंगे नेगेटिव अब यहां पे अगर देखेंगे वी मल्टीप्लाई देम एज डैश नंबर्स तो कौन से नंबर्स होंगे ये ये होल नंबर्स होंगे क्योंकि ये कह रहा है जो ये नंबर्स मल्ट वी मल्टीप्लाई करेंगे वो कौन से नंबर्स होंगे होल नंबर्स होंगे आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई डैश नंबर ऑफ़ नेगेटिव इंटीजर अगर हम मल्टीप्लाई करें डैश नंबर ऑफ़ नेगेटिव इंटीजर देन द रिजल्टिंग इंटीजर इज पॉजिटिव तो हमारा रिजल्टिंग इंटीजर पॉजिटिव आ जाएगा पॉजिटिव कब आएगा अगर देखिए माइनस की मल्टीप्लाई दो बार होगी तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो हम नेगेटिव नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इवन टाइम्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वी मल्टीप्लाई सिक्स नेगेटिव इंटीजर्स एंड सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम सिक्स नेगेटिव इंटीजर थ्री फोर फाइव सिक्स नेगेटिव एंटीजर एंड सिक्स पॉजिटिव एंटीजर थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स नेगेटिव एंटीजर और सिक्स पॉजिटिव एंटीजर को मल्टीप्लाई करें देन द रिजल्टिंग एंटीजर तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा तो देखिए अगर नेगेटिव साइन और ऑड नंबर टाइम्स होता है तो हमारा माइनस ही आएगा और अगर ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो प्लस में आएगा आंसर तो ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स है और प्लस का तो प्लस आएगा ही तो हमारा आंसर पॉजिटिव एंटीजर आएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई फाइव पॉजिटिव इंटीजर एंड वन नेगेटिव इंटीजर अगर हम फाइव पॉजिटिव इंटीजर वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं देन द रिजल्टिंग इंटीजर इज तो ये जो इसका रिजल्ट इंटीजर का आएगा वो क्या आएगा देखिए प्लस को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही आएगा लेकिन प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेगेटिव इंटीजर आएगा नेगेटिव इंटीजर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है डैश इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर कौन सा इंटीजर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर है मतलब अगर हम किस नंबर को किसी इंटीजर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा वही आंसर आ जाए तो हमें पता है वो नंबर वन होता है तो वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है वी गेट एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजियर ए वेन वी मल्टीप्लाईड इट बाय हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजियर ए कब मिल पाएगा देखिए इंटीजियर है ए इसका एडिटिव इन्वर्स मतलब माइनस ए कब मिल पाएगा जब हम इस ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से तो यहाँ आ गया माइनस वन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं माइनस ट्वेंटी फाइव इंटू माइनस टू अगर हम माइनस ट्वेंटी फाइव की मल्टीप्लाई माइनस टू में करेंगे तो कितना आएगा देखिए सबसे पहले साइन की साइन से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस और ट्वेंटी फाइव टू ज फिफ्टी तो हमारा आंसर फिफ्टी आ जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है माइनस फाइव इंटू माइनस सिक्स इंटू माइनस सेवन कितना आएगा तो माइनस फाइव इंटू माइनस सिक्स इंटू माइनस सेवन अब देखिए माइनस माइनस प्लस फाइव सिक्स ज थर्टी ये दोनों मल्टीप्लाई करके थर्टी प्लस का आ गया इंटू माइनस सेवन अब कितना आएगा प्लस माइनस माइनस थ्री सेवन ज ट्वेंटी वन एंड जीरो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस टू हंड्रेड एंड टेन आ जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है थ्री इंटू माइनस वन इंटू माइनस फिफ्टीन कितना आएगा ये बताना है तो देखिए प्लस माइनस माइनस थ्री वन ज थ्री इंटू माइनस फिफ्टीन अब माइनस माइनस प्लस एंड फिफ्टीन थ्री फोर्टी फाइव तो प्लस का फोर्टी फाइव आ जाएगा अब लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ट्वेल्व इंटू माइनस सेवन ब्रैकेट में इन टू फाइव तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डैश इन टू माइनस सेवन इंटू डैश क्या लिखेंगे देखिए लेफ्ट साइड देखें तो ट्वेल्व है माइनस सेवन एंड फाइव है तीनों मल्टीप्लिकेशन में और राइट एंड साइड में माइनस सेवन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम यहाँ ट्वेल्व और यहाँ फाइव लिख सकते हैं तो वही लिख रही हूं ट्वेल्व एंड फाइव क्योंकि हम पहले इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करें बाद में थर्ड से मल्टीप्लाई करें थर्ड एंड टीजर से या पहले हम लास्ट के दोनों इंटीजर्स सॉल्व करें और बाद में उसको फर्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम ही आएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ट्वेंटी थ्री इंटू माइनस नाइन्टी नाइन इज इक्वल्स टू डैश इंटू माइनस हंड्रेड प्लस डैश इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री इंटू डैश प्लस ट्वेंटी थ्री इंटू डैश क्या आएगा तो अगर आप देखेंगे अब 99 नाइन माइनस नाइन्टी को क्या लिख सकते हैं माइनस हंड्रेड प्लस वन लिख सकते हैं राइट right? अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रही थी माइनस तो, नाइन्टी को तो ये लिख दिया हमने माइनस हंड्रेड प्लस वन और तो यहाँ क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा इसी तरीके से अगर आप देखेंगे अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो क्या कहती है ट्वेंटी थ्री की मल्टीप्लाई पहले माइनस हंड्रेड में करेंगे प्लस ट्वेंटी थ्री की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो यहां आ गया माइनस हंड्रेड और यहां आ गया वन तो हमने यहां क्या लिख देंगे यहां लिख देंगे हम ट्वेंटी थ्री इंटू माइनस हंड्रेड प्लस वन एंड ट्वेंटी थ्री इंटू माइनस हंड्रेड प्लस ट्वेंटी थ्री इंटू वन इज द आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डैश इंटू माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस थर्टी फाइव देखिए अगर हम ए की वैल्यू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही माइनस का ए आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है उसको हम यहाँ ब्लैंक में लिख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा थर्टी फाइव आ जाएगा अब इसी तरीके से डैश इंटू माइनस वन इक्वल्स टू फोर्टी सेवन अगर हम यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई माइनस वन में करते हैं तो माइनस का ए आएगा लेकिन अगर मैं माइनस ए की मल्टीप्लाई माइनस वन में करती हूँ तो ये प्लस का ए आएगा तो हमें यहाँ प्लस का ही ए चाहिए प्लस वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का फोर्टी सेवन तो यहाँ लिख देती हूँ माइनस फोर्टी सेवन इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में देखिए 88 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एट्टी आ जाए ऑब्वियसली अब हमें पता है 88 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एट्टी आ जाए तो 88 ही लाना है तो हमें पता है कि अगर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहती है किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा लेकिन यहाँ तो माइनस का आ रहा है और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का एट्टी आएगा तो अगर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही एट्टी आएगा तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं डैश इंटू माइनस नाइन्टी थ्री इक्वल्स टू नाइन्टी थ्री देखिए यहाँ पे नाइन्टी थ्री माइनस का है और यहाँ प्लस का है तो सेम नंबर कब आ सकता है जब हम वन से मल्टीप्लाई करें लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का नाइन्टी थ्री आ रहा है लेकिन हमें प्लस का चाहिए तो हम क्या करेंगे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस वन ही आ जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इस क्वेश्चन में कह रहा है माइनस फोर्टी को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एट्टी आ जाए अब हमें पता है फोर्टी टू सा एट्टी होता है तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एट्टी आ रहा है तो प्लस का एट्टी बनाने के लिए हम एक माइनस साइन और लगा देंगे तो यहाँ आ गया माइनस का टू अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डैश इंटू माइनस ट्वेंटी थ्री अब डैश इंटू माइनस ट्वेंटी थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस नाइन ट्वेंटी आ जाएगा तो कैसे आएगा देखिए हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मान लीजिए वेरिएबल अपनी जगह रहा माइनस नाइन ट्वेंटी अपनी जगह रहा और ट्वेंटी थ्री माइनस का डिवाइड में आ गया अब देखिए माइनस साइन आपस में कैंसिल हो गए अब 23 से डिवाइड करेंगे 920 को तो ये कितना आ जाएगा 23 थ्री फोर ज़ा देखते हैं फोर थ्री ज़र ट्वेल्व कैरी वन फोर टू जी एट एंड नाइन या फोर टाइम्स जा रहा है 92 और नीचे जीरो आ गया तो जीरो जो जीरो तो 23 थ्री वन 23 ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री नाइन ट्वेंटी तो ए की वैल्यू आ गई तो ए कहाँ लिखा था हमने यहाँ पे ब्लैंक में लिखा था तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे आप फोर्टी लिख देंगे आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन वी डिवाइड अगर हम डिवाइड करेंगे अ नेगेटिव एंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर को मान लीजिए माइनस फाइव एक नेगेटिव एंटीजर है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे वी डिवाइड देम एज होल नंबर एंड पुट अ डैश साइन बिफोर क्वेश्चन तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा मान लीजिए एक क्वेश्चन आया तो हम इसके आगे कौन सा साइन लगाएंगे वो पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली जब हम नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन नेगेटिव ही आता है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस साइन लगाएंगे राइट right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन माइनस सिक्सटीन इज डिवाइडेड बाय माइनस सिक्सटीन को अगर हम डिवाइड करेंगे डैश द कोशनट इज़ फोर तो हमारा क्वेश्चन फोर आएगा तो किससे डिवाइड करेंगे देखिए हमें पता है सिक्सटीन को अगर हम फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर आएगा आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं एक्स रख लीजिए कि हमने एक्स से डिवाइड किया अब क्या करेंगे देखिए एक्स ये इधर चला जाएगा और ये वाला फोर इधर आ जाएगा राइट right? यही करते थे हम तो माइनस सिक्सटीन तो अपनी जगह रहा फोर इसके डिवाइड में आ गया और एक्स इधर आ गया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फोर वन जा फोर 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 जा सिक्सटीन तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई माइनस फोर आ गई तो दैट मीन्स हम माइनस सिक्सटीन एक्स हमने उस नंबर को रखा था जिससे हमने माइनस सिक्सटीन को डिवाइड किया था तो माइनस सिक्सटीन को हम किससे डिवाइड करेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन फोर आ जाए दैट इज माइनस फोर से आंसर लेस डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है डिविजन इज द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ डिविजन जो है वो इन्वर्स ऑपरेशन किसका है देखिए अगर मैं वन को टू से डिवाइड कर रही हूं तो ये किसका इन्वर्स ऑपरेशन है अगर मैं कहूँ टू का इन्वर्स निकालना है तो टू का इन्वर्स वन अपॉन टू ही होगा तो ये किसका इन्वर्स हुआ वन अपॉन टू मल्टीप्लीकेशन का इन्वर्स हुआ फिर से बता रही हूँ अगर हमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स निकालना होता है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और और डिनोमिनेटर वाली जो यहाँ डिनोमिनेटर में था वो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाता है राइट तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया वन अपॉन ए हो गया जिसमें ए डिविजन में आ गया तो डिविजन इज द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिविजन किसका इन्वर्स है दैट इज मल्टीप्लीकेशन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम 65 को डिवाइड करेंगे माइनस थर्टीन से तो देखिए अगर हम 65 को डिवाइड किया माइनस थर्टीन से तो सबसे पहले हमारा डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो हम उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके माइनस साइन ऊपर ले आएंगे तो ये कितना आ गया देखिए प्लस माइनस माइनस सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी फाइव माइनस माइनस प्लस थर्टीन वनजा थर्टीन अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे थर्टीन फाइव जा तो ये कितना आ गया माइनस फाइव तो हमें पता चल गया अगर हम सिक्सटी फाइव को माइनस थर्टीन से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर माइनस फाइव आ जाएगा आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम माइनस हंड्रेड को डिवाइड करते हैं माइनस टेन से तो देखिए माइनस हंड्रेड को डिवाइड करते हैं माइनस टेन से तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी तो हमारा आंसर कितना आ गया टेन आ गया तो टेन हमारा आंसर आ जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर माइनस टू टू फाइव को डिवाइड करें फाइव से अगर माइनस टू टू फाइव को डिवाइड करेंगे फाइव से तो कितना आ जाएगा हमारा जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फाइव वन जो फाइव फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे माइनस साइन था तो कितना आ गया माइनस का फोर्टी फाइव आ गया तो यही लिख देंगे माइनस फोर्टी फाइव इज द आंसर ले जू नेट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कह रहा है किसको डिवाइड करें माइनस वन से कि माइनस का 83 आ जाए देखिए किसको डिवाइड करें माइनस वन से कि माइनस का 83 आ जाए मान लेते हैं ये एक्स नंबर है तो एक्स को डिवाइड करेंगे माइनस वन से तो हमारा माइनस का 83 आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस एट्टी अपनी जगह रहा और माइनस वन यहाँ डिवाइड में था तो जब जो चीज़ एक तरफ डिवाइड में होती है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई की हो जाती है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए सबसे पहले साइन की साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस माइनस प्लस एट्टी थ्री वन इज़ एट्टी थ्री तो हम एट्टी थ्री को एक्स जहाँ लिखा था वहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख देंगे तो एट्टी थ्री को डिवाइड करेंगे माइनस वन से तो हमारा आंसर माइनस एट्टी थ्री आ जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं डैश को डिवाइड करें माइनस वन से डैश को डिवाइड करें माइनस वन से तो हमारा आंसर सेवेंटी फाइव आना चाहिए तो हम किसको डिवाइड करेंगे उसे हमने एक्स मान लिया अब एक्स अपनी जगह रहा सेवेंटी फाइव अपनी जगह रहा क्योंकि ये माइनस वन डिवाइड में था दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू देखिए सबसे पहले साइन की साइन में प्लस माइनस माइनस सेवेंटी फाइव वन साइए सेवेंटी फाइव तो x जहां था वहां पे क्या लिख देंगे माइनस सेवेंटी फाइव तो हमें पता चल गया अगर माइनस सेवेंटी फाइव को माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर सेवेंटी फाइव आ जाएगा लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फिफ्टी वन को डिवाइड करना है किसी नंबर से कि माइनस फिफ्टी वन आ जाए तो देखिए 51 को हमें डिवाइड करना है किसी नंबर से कि हमारा माइनस फिफ्टी आ जाए तो वो नंबर नहीं पता है किससे डिवाइड करेंगे तो एक्स मान लेते हैं अब ये एक्स तो इधर चला जाएगा और ये माइनस फिफ्टी इधर आ जाएगा वही कर रही हूँ 51 वन अपॉन माइनस का 51 और इक्वल्स टू एक्स अब क्योंकि यहाँ पे माइनस डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करते थे माइनस वन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे वही किया तो अब ये कितना आ गया एक्स आ गया हमारा प्लस माइनस माइनस फिफ्टी वन वन जइज फिफ्टी वन अपॉन माइनस माइनस प्लस फिफ्टी वन वन जिस फिफ्टी वन अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फिफ्टी वन से फिफ्टी वन हो गया कुछ नहीं बचाए तो वन बचाए और क्योंकि यहां माइनस साइन लगा हुआ था तो इसलिए माइनस साइन लगाए तो अब जहां एक्स लिखा था वहां पे क्या लिख देंगे हम माइनस वन एक्स की वैल्यू माइनस वन दैट इज एक्स की वैल्यू लिख देंगे आंसर अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वन वन थ्री को किससे डिवाइड करें कि माइनस वन आ जाए तो देखिए वन वन थ्री को किससे डिवाइड करें कि माइनस वन आ जाए तो मान लेते हैं एक्स से डिवाइड करेंगे तो अब एक्स तो इधर चला गया और माइनस वन इधर आ जाएगा तो वन वन थ्री अपनी जगह रहा माइनस वन डिवाइड में आ गया और एक्स इक्वल टू के बाद आ गया अब क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस साइन है या तो डायरेक्टली ऊपर लगा दीजिए या माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए तो माइनस वन से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए प्लस माइनस 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 का वन वन थ्री वनजा इज वन वन थ्री एंड माइनस माइनस प्लस वन वनजा वन ईक्वल टू एक्स तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का वन वन थ्री भी लिख सकते हैं तो हम वन वन थ्री को माइनस के वन वन थ्री से डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारा आंसर माइनस वन आ जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है माइनस नाइन्टी फाइव को डिवाइड करना है माइनस नाइन्टी फाइव को डिवाइड करना है कि हमारा आंसर नाइन्टी फाइव आ जाए तो एक्स रख के ही करेंगे अगर आपको नहीं आता तो हमेशा एक्स रख के ही करिएगा आप देखिए ये एक्स इधर आ जाएगा और नाइन्टी फाइव इधर आ जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस नाइन्टी फाइव अपॉन नाइन्टी फाइव लिख सकते हैं इक्वल्स टू एक्स अब नाइन्टी फाइव से नाइन्टी फाइव कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई कुछ नहीं बचा तो वन बचा है तो माइनस वन आ गई तो इसका मतलब हम माइनस नाइन्टी फाइव को माइनस वन से डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर नाइन्टी फाइव आ जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है माइनस सिक्सटी नाइन को डिवाइड करना है सिक्सटी नाइन से तो देखिए माइनस सिक्सटी नाइन को डिवाइड करना है सिक्सटी नाइन से तो कितना आएगा सिक्सटी नाइन से सिक्सटी नाइन कट गया तो कुछ नहीं बचा माइनस बचा है और वन है तो हमारा आंसर आ गया माइनस वन अब नेक्स्ट कह रहा है माइनस ट्वेंटी एट को डिवाइड करना है माइनस ट्वेंटी एट से तो कितना आ जाएगा देखिए माइनस से माइनस कट गया ट्वेंटी एट से ट्वेंटी एट कट गया कुछ नहीं बचा वन बचा है तो वन आ गया आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ